यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को दूसरे दिन एक यातायात गोष्ठी का आयोजन यातायात कार्यालय पर किया गया, जिसमें ऑटो रिक्शा चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस मौके पर TSI BN गुप्ता, हरिद्वार सिंह सहित अन्य ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ऑटो चालक मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए TSI जगनारायण ने लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। आपको शायद जितने यहाँ ड्राइवर हैं, वाहन चालक हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, ऑटो रिक्शा खासतौर से, वह बिल्कुल अगर थोड़ी सी भी यातायात नियमों का उनके महत्व को समझकर पालन करें तो कहीं टेम्पो वालों से जाम नहीं लगे। सके सबको जाना है यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें। करने का वक्त आ गया है, पहले कम वाहन थे चल जाता था, लेकिन अब चलने वाला नहीं। जनता जागरूक हो गई है, आपका फोटो ले रही है, बराबर ऑटो रिक्शा का जो ऐसे करते उनका फोटो वहां तक जा रहा है। अगर जाता नहीं तो शिकायत कैसे करें। इसमें आप लोग हृदय से परिवर्तन करें। यातायात मार्ग जो चलता था उसमें बताया जाता, अभी बताया जा रहा है, आप इसको सुनने की बात नहीं है, ये सुनने के लिए नहीं है, ये हृदय में अपने अंदर उतारने की जरूरत है, ये अपने अंदर रखने की जरूरत है। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष पर गावा, दूर दूर न बसंत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न चाहिए परलोक सवारा। ये मेरे दोस्तों, यह ईश्वर की असीम कृपा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो हमको मनुष्य जीवन मिला और उसके साथ साथ पल पल मरे जीने का अधिकार मिला। ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर ने आपको किस तरह पल पल जीवित रखा है। आपके गलती से, आपकी लापरवाही से किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, इससे दुखद बात और कोई नहीं हो सकती।